ये जो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये उसकी बिल्डिंग है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है। अभी अभी अंदर से नहीं दिखा सकता क्योंकि जो है वो क्लासेस वो है जो ऑनलाइन चल रही हैं, तो अंदर नहीं जा सकते। जो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का मेन गेट है, ऐसे सारे स्टूडेंट जो है वो अंदर जाते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं अपनी यूनिवर्सिटी का कैंपस टूर आप लोगों को कराऊंगा, और अभी टाइम हुआ है सुबह के 9:30 बज रहे हैं, और अभी मैं अपने हॉस्टल में हूँ और हॉस्टल को दिखाता हूँ कि हॉस्टल में कितने बच्चे बचे हैं अभी, कितने घर चले गए हैं, कितने क्या, वो सारा मैं अभी आपको दिखाऊँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो अपने अपने घर चले गए हैं, मैं सेकेंड फ्लोर पर बिल्कुल अकेला हूँ और सबसे लास्ट में मेरा जो रूम है मैं उसमें हूँ। अभी दिखाते हैं आपको, और उससे पहले मैं अपने रूम का जो है वो दिखा देता हूँ कि कैसा है मेरा रूम। तो भाई ये है मेरा रूम, ऐसा ही है, अभी सो के उठा था तो सब ऐसा ही है। और ये मेरी बोतल है जिससे मैं पानी पीता हूँ, और ये मेरे बैग वगैरह, इनको सबको मैं अभी कल लेके जाऊँगा। एक टेबल है, एक चेयर पड़ी है इस पर बैठते वगैरह, और यहाँ पे मैं लेटता हूँ। तो अभी जो है कोविड की वजह से यूनिवर्सिटी और हॉस्टल सारे बंद करने के जो है अभी नोटिस जारी हुआ है, तो इसलिए सारे के सारे बच्चे घर चले गए हैं। मैं बचा था क्योंकि ये जो नोटिस था वो 16 तारीख तक के लिए था, बट उन्होंने क्या किया कि नया नोटिस जो आया था उसमें लिखा था कि 13 तारीख तक सभी लोग छात्रावास खाली कर दें, तो इसी वजह से आज मुझे भी घर जाना पड़ रहा है। तो अभी दिखाता हूँ आगे उधर हॉस्टल कैसे हैं, कैसे बच्चे हैं या नहीं, अभी देखते हैं चल के स्टूडेंट्स हैं या सब के सब चले गए हैं। तो अभी चलते हैं रूम से और देखते हैं बच्चे गए हैं या नहीं। तो ये मैं अपने रूम से बाहर आ गया हूँ, और अभी देखते हैं कि बच्चे हैं या नहीं है, ठीक है। अभी सारे के सारे देखेंगे बच्चे हैं या नहीं अभी इस हॉस्टल में, और दिखाते हैं कि जिस फ्लोर पर मैं रह रहा हूँ उस फ्लोर के सारे बच्चे जो है वो अपने अपने घर चले गए हैं। इंसान पड़ा एकदम, कोई भी नहीं है, और वह देख रहे हैं पूरी सारी की सारी टंकियाँ लगी हुई हैं। यहीं पे आराम से हम लोग नहाते हैं, यहाँ पानी बहुत ठंडा आता है जाड़ों में, और गर्मियों में पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है यहाँ पे। एक्चुअली बांदा यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में जितने भी बच्चे आते हैं तो वो वेटरनरी हॉस्टल में रुकते हैं, और वेटरनरी हॉस्टल में सारे के सारे बच्चे आराम से रहते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सीनियर लोग नहीं रहते, इसलिए वेटरनरी हॉस्टल में छात्रों को रखा जाता है। और अभी मैं बाहर आपको कैंपस दिखाऊंगा अपनी यूनिवर्सिटी का कि कैंपस कैसा है, और कोई मतलब अच्छा है सब बढ़िया, किसी प्रकार की कोई परेशानी कुछ नहीं है। तो आप देख रहे होंगे ये सामने जो भैया बर्तन साफ कर रहे हैं, तो ये सारा मैस है, ये हमारे मैस जाने का गेट है सामने। तो गाइस ये सामने जो है मेरी मैस का गेट है, यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं, खाना वगैरह खाते हैं अंदर। और ये हमारे हॉस्टल का कॉमन हॉल है, इसमें जब कोई परेशानी होती है तो यहाँ पर ही वार्डन सर की मीटिंग होती है, और जो बच्चे होते हैं उनका कभी कभी मन नहीं लगता तो यहाँ टीवी वगैरह लगा हुआ है, तो आराम से हम लोग सब देखते हैं बहुत अच्छे से। और ये बहुत अच्छा जो है वो कॉमन हॉल है हमारी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बना हुआ। अभी हम अपने हॉस्टल से बाहर जाएंगे और दिखाएंगे तुम्हें अपनी यूनिवर्सिटी का कैंपस। तो ये जो है हमारे हॉस्टल का गेट है, और अभी गार्ड अंकल बैठे नहीं हैं, शायद कहीं गए हैं, तो अभी खोलते हैं उसको, चलते हैं। तो आगे भी और भी बहुत सारे हॉस्टल हैं यहाँ पे जहाँ सीनियर लोग रहते हैं, वो भी हमारे हॉस्टल से बिल्कुल पास में है। और अभी जो है वो हम आपको दिखाएंगे वो हॉस्टल्स भी कहाँ कहाँ हैं। ये देखो ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे सीनियर लोग रहते हैं इन हॉस्टल्स में। ये हॉस्टल जो है वो सीनियर लोगों के लिए हैं, जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आ जाते हैं उन लोगों के लिए इन हॉस्टल में रखा जाता है।
कॉलेजेस अभी हम अपनी यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर कॉलेज दिखाएंगे, हॉर्टिकल्चर कॉलेज दिखाएंगे, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री दिखाएंगे, सारे कॉलेज दिखाएंगे अभी आपको। और जो हमारी यूनिवर्सिटी है उसका पहला कॉलेज, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, वो हमारे सामने है, जिसको मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये उसकी बिल्डिंग है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर की बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है ये भी। अभी अंदर से नहीं दिखा सकता क्योंकि जो है वो क्लासेस वो है जो ऑनलाइन चल रही हैं, तो अंदर नहीं जा सकते। ये जो है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर का मेन गेट है, यहाँ से सारे स्टूडेंट जो है वो अंदर जाते हैं। और ये जो है वो रास्ता है, तो अभी हम कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ आ गए हैं और अभी आपको दिखाते हैं कि कैसा है कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ये देख रहे हो आप, ये कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है। कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस जो सामने दिख रहा है आपको, ये है कम्युनिटी साइंस की बिल्डिंग, इसको बोलते हैं सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय, और ये उसकी बिल्डिंग है। और यहाँ पे जो है अच्छी पढ़ाई हो रही है, ये भी स्टार्ट अभी जल्दी में ही हुआ है इस यूनिवर्सिटी में। मेरे साइड पे ये जो देख रहे हैं आप, ये कुछ फील्ड वगैरह हैं एग्रीकल्चर के, यहाँ फील्ड पर काम होता है बहुत फॉरेस्ट्री। और ये कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री की बिल्डिंग है, ये पीछे से दिखा रहा हूँ मैं, अभी आगे से आपको दिखाऊंगा। ये जो कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री वन की महाविद्यालय की मेन बिल्डिंग है, और यहीं से जो वो स्टूडेंट अंदर जाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का ये प्लेग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है, अभी बारिश पड़ी है तो इसलिए इसमें पानी भर गया है, इसमें जो फुटबॉल वगैरह खेलते हैं और रेस वगैरह लगाते हैं। ये जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में जाने का रास्ता है, तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा अंदर स्टेडियम में। तो यहाँ से जाएंगे इस तरीके से, और ये जो है हमारी यूनिवर्सिटी का स्टेडियम है, यहाँ पे बैठ के सामने लोग देखते हैं। और अभी इसमें सब में पानी भर गया है, बारिश पड़ी है तो इस वजह से, और क्रिकेट वॉलीबॉल वगैरह सब होता है। हमारी यूनिवर्सिटी में दो दो प्लेग्राउंड है, एक ये है और एक बाहर है, इसको स्टेडियम बोलते हैं, उसको ग्राउंड बोलते हैं, वहाँ पे फुटबॉल वगैरह होती है और काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बड़ा भी है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आराम से बैठ के देखते हैं लोग, मैच वगैरह होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती। ये जो है इंजीनियरिंग कॉलेज है, जो अभी बना नहीं है, दो तीन साल में ये भी बन जाएगा। वो जो है सामने, वो जो है प्रशासनिक भवन है हमारी यूनिवर्सिटी का, ये ग्राउंड है, ये हेलीपैड भी है यहाँ पे।